इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आज बेलगाम शहर में वजीर आला की आमद पर सड़कें साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। वैसे भी कोई बड़ा वजीर शहर का दौरा करता है, मरम्मत सफाई की जाती है। वजीर आला बसवराज बोम्मई के हाथों आज महात्मा फुले पार्क बुधवार पेट बेलगाम में ई लाइब्रेरी की इफ्तिताह अमल में आई। शहर में पहली मरतबा डिजिटल लाइब्रेरी का क्याम अमल में आया। खासतौर पर मराठी, कन्नड़, इंग्लिश और उर्दू इन पांच जबानों में सहूलत फराहम की गई। स्मार्ट डिजिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल और वाईफाई की सहूलत के साथ 23 कंप्यूटर, 5 टैब यहां मौजूद है। किताबों के पढ़ने के साथ किताबें डाउनलोड भी की जा सकती है। इस वक्त बसवराज बोम्मई ने कहा कि रियासती हुकूमत हर तरह की इमदाद बेलगाम शहर को देना चाहती है। नौजवानों में पढ़ने का रुझान घटता जा रहा है, उसे बढ़ाने के लिए इस ई लाइब्रेरी का क्याम अमल में लाने की बात कही। इस वक्त डीसीएमजी हिरोमन, एमएलए अभय पाटिल, एमएलए अनिल बेन के, वजीर बसवराज बैरट्टी, उमेश कत्ती, गोविंद करजोड़ और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। वजीर आला बसवराज बोम्मई के बेलगाम दौरे पर एहतजाज का भी सामना करना पड़ा। किसानों ने बासमती चावल, मसूर और चने के पौधे लेकर वजीर आला से मुलाकात फरमाई और कहा कि किसानों की जमीन किसी बाईपास या किसी और प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत कब्जा ना करे। वजीर आला से मुलाकात करने पहुंचे किसानों को गेट पर रोक दिया गया था, जिस पर गुस्साए किसानों ने नारेबाजी की। लिहाजा कुछ किसानों ने वजीर आला से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। वजीर आला से कुछ साफियों ने भी मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। साफियों को हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किया जाता है, लिहाजा हुकूमत खास सहूलतें साफियों को फराहम करने की मांग भी की गई। आज साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया ने भाजपा आरएसएस पर तंज करते हुए कहा कि देश के खातिर कुछ ना करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि आप कहीं आरएसएस चड्डी की बजाय पैंट पहन रहे हैं। देश के लिए बजाय कुर्बानी देने के अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम आरएसएस ने किया है। मुल्क की मोहब्बत आरएसएस में रत्ती बराबर भी नहीं है। अब तक कोई भी संगी मुल्क की मोहब्बत में कुर्बान नहीं हुआ है। जेडीएस पर भी तंज करते हुए कहा कि कुमार स्वामी महज झूठ बोलने में माहिर और मफाद परस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में फिर से कांग्रेस हुकूमत पर फाइज होगी, ऐसा भी भरोसा उन्होंने दिलाया। वजीर आजम बसवराज बोम्मई का दौरा सुरेश अंगड़ी के पुतले की इफ्तिताह को लेकर होने की चर्चा तो है, पर असल में भाजपा का मेयर कौन बनेगा इसके लिए यह दौरा होने की बात कही जा रही है। जहां मुस्लिम कारपोरेटरों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुलपोशी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पहली मरतबा बेलगाम कारपोरेशन पर भाजपा की सत्ता आई हुई है। इससे पहले भी तमाम भाजपा के कारपोरेटरों को बेंगलोर में बुलाकर मशवरा किया गया था। आज फिर मेयर और डिप्टी मेयर के साथ किस तरह कारपोरेशन के कामों को अंजाम दिया जाएगा, इस पर भी तबादले ख्याल करने की बात कही जा रही है। लिहाजा काफी नाम मेयर की रेस में है, पर शायद उसे ही मौका मिल सकता है जो भाजपा या संघ के नजदीकी रहने वाला होगा, ऐसा भी कहा। रहमान फाउंडेशन हमेशा सामाजिक खिदमत देने में पेश रहता है। लिहाजा गोकाक अंकल ये रहमान फाउंडेशन शाख की जानिब से बेलगाम के करीब तलकाम गांव में वक्ती शेड के जरिए मस्जिद की तामीर कर 50 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और पढ़ाई के लिए डेस्क का इंतजाम किया है। रहमान फाउंडेशन के इस इकदाम को सराहा जा रहा है। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नजर। कोरोना के दौर के बाद फिर दौरा करने का दौरा हमारे वजीर आजम को पड़ना शुरू हुआ है। लिहाजा 12-13 घंटे का सफर, 4,500 करोड़ के नए हवाई जहाज से अमेरिका का दौरा मुकम्मल कर वापस लौटे। 3 दिन के दौरे को लेकर गोदी मीडिया सुबह शाम तारीफ के पुल बांधने में लगी हुई थी। गोदी मीडिया के सबसे बड़ी सरगना के तौर पर जाने जाने वाले अंजना ओम मोदी, अंजना ओम कश्यप, तो अमेरिका में मोदी का कितना डंका बज रहा था दिखाने के लिए खास कवरेज चली गई थी, जिसे काफी जलील होता देखा गया। इधर भक्त मंडली मोदी के भजन कीर्तन में मसरूफ हो गई थी, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा इतना फीका रहा कि जिसका जिक्र भी करने में शर्म आ रही। अंजना ओम कश्यप, जिसकी सांसें तक मोदी की तारीफ के बगैर मुकम्मल नहीं होती, मोदी के शान में कसीदे पढ़ने वहां गई। अंजना ओम कश्यप को तो भारत के यूएस की डिप्लोमेट्स ने हाथ धुबे ने तारीख की बेइज्जती करते हुए सीधा बाहर का रास्ता दिखाया। जिस तर्ज पर जिल्लत का सामना आज तक की सहाफी अंजना को करना पड़ रहा है, दुनिया भर में भी सहाफत में
भारत की कीर्ति साख का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। गेट आउट अंजना हैशटैग चलाया जा रहा है। जिस तरह से अंजना ओम कश्यप ट्रोल की जा रही है, शायद भारत की गोदी मीडिया को इतना अंदाजा तो आया होगा कि एसी स्टूडियो में बैठकर बची कुची इज्जत ही बचा लेते, स्टूडियो से बाहर निकलोगे इसी तरह की बेइज्जती की जा सकती है। लिहाजा गोदी मीडिया एक बार फिर मंजरे आम पर शर्मसार होती दिखाई दे रही है। इस पर कई बुजुर्ग साहबियों ने अपनी राय पेश करते हुए ख्यालात का इजहार भी किया है। पुनः प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया अब जोकर में तब्दील हो रही है। अजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि गोदी मीडिया बाहर निकलेगा तो जलील होगा। लाइव कवरेज के लिए ढोल ताशे बजाने वालों के पास जाकर जब अंजना ओम कश्यप ने मोदी के अमेरिका आने पर कितना जोश है साबित करने की कोशिश की, तो वहां के लोगों ने कहा कि हमें पैसे देकर यहां बुलाया गया। इसी तरह और भी जिल्लत उस वक्त देखने को मिली जब वहां के अखबारों ने मोदी को शायद पहले पन्ने पर कवरेज दिया होगा सोचकर अखबारात का जायजा लेने लगी, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट था तो उसमें भी जिल्लत का सामना करना पड़ा। यहां भी गोदी मीडिया की अंजना को मायूसी ही हाथ लगी, क्योंकि किसी भी अखबार ने वजीर आला मोदी की किसी भी पन्ने पर खबर नहीं शाया की थी। वहीं पर हर बात में कॉपी पेस्ट करने वाले वजीर आजम नए हवाई जहाज से अमेरिका पहुंचे थे तो जिस तस्वीर को मीडिया पर वायरल कर फाइलों को खंगालते दिखाया गया, मोदी कितना काम करते हैं दिखाने की कोशिश, इस पर भी फजीहत होती दिखाई दे रही है। जिस तस्वीर को वजीर आजम की आईटी सेल की जानिब से शेयर किया गया है उसमें कई खामियां साफ नजर आई है, मतलब अब ड्रामेबाजी का भी पर्दाफाश होता दिखाई दे रहा है। एक और जिल्लतामस पहलू यह भी रहा कि कमला हैरिस के साथ वजीर आजम मोदी ने अपनी तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की, लेकिन वही दूसरी ओर कमला हैरिस ने मोदी के साथ की एक भी तस्वीर शेयर नहीं किया। अब इसे क्या कहा जाए। वैसे भी मोदी हुकूमत में तमाम भक्तगणों को थूक कर चाटने की आदत पड़ी हुई है, और खासकर गोदी मीडिया को तुम जितना भी जलील करो, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, इस मिस्ताक इसमें भी मुफाद तलाशते रहते। पहले मोदी का खास दोस्त ट्रंप हुआ करता था और दोनों में गहरा याराना भी था, तभी तो आपने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते ठहाके मारते दोनों की दोस्ती की तस्वीरें आपने बारह देखी होगी। लेकिन अब यहाँ तो जो बाइडन था तो यहाँ किसी तरह दाल नहीं गल पाई, लेकिन जिल्लत में भी अपने सर को ना ताने वो अंधभक्त कैसे। लिहाजा बाइडन को ही लोकतंत्र का पाठ अंग्रेजी में हमारे वजीर आजम ने सुनाया। 3 दिन के दौरे के बाद पालम हवाई अड्डे पर वजीर आजम अमेरिका का दौरा खत्म कर वापस लौटे तो अंधभक्तों की फौज ने जंग जीत कर वापसी की तरह नगर ढोल ताशे बजाकर इस्तकबाल किया। वैसे कोरोना के बाद बड़ा दौरा सबसे फीके दौरे के तौर पर देखा गया। इससे पहले भी बांग्लादेश का भी दौरा किया गया था, लेकिन फॉरेन की फीलिंग अमेरिका जाकर ही मिल सकती थी, क्योंकि बांग्लादेश तो भारत का ही हिस्सा है और हवाई जहाज में एक फाइल भी खोलते नहीं है कि बांग्लादेश आ जाता है। लेकिन 18-18 घंटे काम करने वाले मोदी की फर्जी कहानियां तवील सफर में ही दिखाई जा सकती थी, लिहाजा अब ये झूठी कहानियां भी सभी की समझ में आ रही है। विभाकर शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं, उन्होंने पुरानी तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया था। उसी तस्वीर को कॉपी कर भाजपा आईटी सेल ने मोदी की तस्वीर को उसी तरह से शाया करने की कोशिश की। इससे पहले भी भारत के कई वजीर आजम हुए हैं जिनकी तस्वीरों में सच्चाई नजर आती, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मनमोहन सिंह, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हवाई जहाज में की। अब इसे भी एक लोकतंत्र की हत्या ही कह सकते हैं कि आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार ने ना तो मोदी ने की है। शायद तारीख में ये भी बात दर्ज करने वाली रही कि मोदी ऐसे शख्स हैं जिसने अब तक एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली भी जाती है तो किस तरह की ली जाती है वो भी सभी ने देखा है। अक्षय कुमार या फिर चाटुकार या जमीर फरामोश पत्रकार जो देश में करोड़ों सशक्ति जिंदगियों पर सवाल करने की बजाय आप आम चूस कर खाते हो या काट कर खाते हो या फिर इतना जोश कहां से लाते हो जैसे फालतू सवाल पूछकर लोकतंत्र के चौथे सुतून को ही कलंकित कर देते। मुल्क आज इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सैकड़ों विदेश दौरों से अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन हमारे मुल्क की गोदी मीडिया जिल्लतामोज दौर को भी मास्टर स्ट्रोक साबित करने की कोशिश करती। लिहाजा 3 दिन का अमेरिका दौरा महज तफरीज साबित हो चुका है, जैसे इससे पहले भी दौरे हो चुके हैं। इस बार खास बात यह रही कि गोदी मीडिया की इज्जत सरे बाजार बेनकाब हुई है। उम्मीद करते हैं कि अंजना ओम कश्यप की जिल्लत से दिगर गोदी मीडिया के पत्रकार सबक हासिल कर सकेंगे, क्योंकि झूठ कुछ देर कामयाब नजर तो आता है पर सच को कभी हरा नहीं सकता। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।